तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज का जो है अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट। मैंने आपका सारा का सारा एग्जांपल एक्सरसाइज सब करवाया है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। फर्दर कोई और इश्यूज आए किसी और बुक में, एनसीईआरटी के बुक में या फिर आरडी शर्मा की बुक में, तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ सम टाइम ऑफ अ डे, क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल स्टैंडिंग पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1, देन फाइंड द हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि एक पोल है और उसका शेडो बन रहा है, तो पोल और शेडो का जो लेंथ है वो हमें रेशियो में दिया हुआ है 3:1 के रेशियो में दिया है, यानी कि पोल का जो लेंथ है वो 3√3 है और इसका जो शेडो का जो लेंथ है वो 1 है हमारा। तो मैं रेशियोज को मैं मान लेता हूँ क्या एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स। तो क्या हो गया लेंथ हमारा, हाइट जो है पोल का हो गया √3x और जो शेडो है हमारा वो 1x हो गया, ठीक है। तो मुझे ये एंगल निकालने के लिए कहा गया है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन है ये कितना होगा ये निकालिए, तो हमको ये थीटा निकाल के दिखाना है। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ट्राइंगल लेते हैं ABC। तो इन ट्राइंगल ABC 90° एट कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो ये लिख दिया बी। तो देखो तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा क्यों लिया क्योंकि ये एंगल तो थीटा ही है ना हमारा, और टेन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है, टेन ही बताता है ना, तो इसीलिए टेन थीटा ले लिया अपन ने। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बाई बेस, बेस हुआ हमारा बी सी। तो अब देखो टेन थीटा को भी फर्दर मैं टेन थीटा ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे थीटा ही तो निकालना है, ये मुझे मालूम ही नहीं है, तो टेन थीटा को टेन थीटा रहने दो। ए बी हमें दे दिया है √3x अपॉन बी सी है हमारा 1x, तो ये x से x कैंसिल हो गया, बचा यहाँ से √3। तो √3 स्टूडेंट्स किसका रिलेशन होता है, तो ये हो गया हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू √3 होता है हमारा किसका, याद करो तो 1060 का होता है क्योंकि यहाँ पर 10 है ना, तो 10 के टर्म मिलेंगे, तो 1060 इक्वल टू होता है √3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1060°, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60°। काट के नहीं दिखाना है, मैंने आपको पहले भी कहा मना करा है, तो थीटा इज इक्वल टू 60°। यही मुझे निकालने के लिए कहा गया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन एट दैट्स टाइम, उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का जो है वो 60° होगा, यानी कि थीटा जो है हमारा निकल गया है 60°। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसके इंट्रोडक्शन पे पहले देखेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कैसा लगा हमारा ये सारा वीडियोज़ ये ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फर्दर हो सके तो इनको जितनी लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक टेंथ का स्टूडेंट जो है यहाँ तक रीच करे, क्वेश्चंस यहीं से एक सॉल्व कर ले, हर एक क्वेश्चन सफल हो जाए उनका यहाँ से। तो हम लोग स्टूडेंट मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।